जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। 14 फरवरी 2019 का वो दिन पूरे हिंदुस्तानियों के लिए एक काले ख्वाब की तरह है, जहां पर 40 जवानों की शहादत होती है और 40 जवानों के शहादत के नाम पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वोट बटोरा जाता है और सत्ता में फिर से उनकी वापसी होती है। इसी को लेकर जो है तमाम तरह के अपडेट पिछले कई महीने से लगातार टीवी चैनलों पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर लगातार जो है चल रहे हैं और तमाम तरह के इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। उसी बीच जो है एक नाम बड़े तेजी के साथ जो है उभरा था, जिसका नाम जो है जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, जिनका नाम है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक ने जिस तरह से सनसनीखेज खुलासा किया था और पुलवामा हमले को लेकर भाजपा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और तमाम जो चीजें हैं उनको जो है जिस तरह से जिम्मेदार बताया था, तो उनके बाद जो है भाजपा की तरफ से भी उनके ऊपर लगातार आक्रमण हुआ था और यह भी कहा गया था कि सत्यपाल मलिक ने ये बातें पहले क्यों नहीं की। अब आपको बताते हैं कि इस देश में दो बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं जिसके वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा परेशान रहती है, राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक। राहुल गांधी को भले ये पप्पू कहते हैं, मगर जब राहुल गांधी की तरफ से किसी तरह की चीजें सोशल मीडिया पर आती हैं तो भाजपा का पूरा कैबिनेट जो है उसको जो है कंडेम करने के लिए या उसको जो है डिफेंड करने के लिए तमाम तरीके से आ जाता है। मगर आज राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा, आप भी अचंभित हो जाएंगे कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों हो रही है एक देश में। इस देश में सत्ता का होना भी जरूरी है, विपक्ष का भी होना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पिछले 10 सालों से सत्ता में है और उसी 10 सालों से जो है राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता है। राहुल गांधी ने आज जो है सत्यपाल मलिक के साथ एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू को अपने सोशल मीडिया पेज पर डाला। उस सोशल मीडिया पेज पर डालने के बाद तमाम तरह की चीजें जो है सामने आ रही है और जिसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जिस जैसे उनको यह खबर मिली कि 14 फरवरी को कि वो जो है पुलवामा में हमला हुआ है और हमारे 40 जवान जो है शहीद हो गए हैं, तो उन 40 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से जम्मू की तरफ जाते हैं। मगर राहुल गांधी को उसी जम्मू के एयरपोर्ट के किसी लॉन्ज में या लॉबी में जो है गिरफ्तार कर दिया जाता है, यानी लॉक कर दिया जाता है। और यह राहुल गांधी ने खुद कहा कि जब मैं जम्मू एयरपोर्ट पहुंचा और मैं उस घटनास्थल पर जाना चाहता था तो मुझे सिक्योरिटी द्वारा कहा गया कि आप मत जाइए और मुझे जो है किसी घर में, किसी लॉबी में या किसी लॉन्ज में जो है मुझे कैद कर दिया गया, मुझे लॉक कर दिया गया, मुझे बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी 14 फरवरी 2019 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में गियर ब्रिल्स के साथ जो है मैन वर्सेस वाइल्ड का शूटिंग कर रहे थे, जिसके बाद बहुत सारा बवाल भी हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर इतने कठिन समय में आखिर शूटिंग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब 26/11 हुआ था तो उसी बीच जो है कांग्रेस की सरकार थी वहां महाराष्ट्र में, तो कपड़ा बदलने की वजह से कांग्रेस के गृह मंत्री को उसी वक्त जो है सस्पेंड किया गया था। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जम्मू नहीं जाते हैं बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उन तमाम 40 जवानों को, शहीदों को जो है श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण क्या, यह है कि आखिर जब जिस देश में सत्ता में बैठे लोग और विपक्ष में बैठे लोगों के बीच में तालमेल नहीं होगी और जिस तरह से शहीदों के मौत पर, शहीदों के लाश पर राजनीति होगी, तो उस राजनीति का अंजाम क्या होगा वो समझने वाली बात है। 2024 का इलेक्शन करीब है और दो ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है चुनौती दे रहे हैं, जिसमें एक का नाम राहुल गांधी तो दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक अपने इन्फॉर्मेशन और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ चीजों को सोशल मीडिया के बीच चला रहे, जिससे भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बनी है। राहुल गांधी का ये वीडियो, ये वाला जो हिस्सा है वो अलग अलग टीवी चैनलों पर और तमाम मीडिया पर जो है लगातार तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर लगातार वो प्रहार करते नजर आ रहे। सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी को उस जम्मू एयरपोर्ट पर पुलवामा हमले के परिजनों से मिलने के लिए क्यों रोका गया था और क्यों जो है उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनको जो है नहीं जाने दिया गया था, ये एक बड़ा सवाल है। और शायद ये सवाल जो है आम नागरिक या सेकुलर नागरिक इस देश का भाजपा से जरूर पूछेगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।